हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक धाम करने वाले हैं और एक ज्योतिर्लिंग भी करने वाले हैं। दोनों साथ साथ होने वाले हैं। रामेश्वर धाम और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हम करने वाले हैं, साथ साथ कन्याकुमारी भी हम जाएंगे और साथ साथ हम मदुराई के भी टेम्पल में जाने वाले हैं। तो ये तीनों नियर बाय प्लेसेस में है, उतने भी नियर बाय नहीं है, लेकिन कैसे प्लान करना है, कैसे जर्नी करना है, वहाँ पे कैसे अकोमोडेशन बुक करना है, क्या क्या प्राइस होते हैं और उसके बाद में खाना वगैरह कैसे मिलता है, आपको दिक्कत क्या क्या हो सकती है, मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो अवॉइड कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो डिटेल में थोड़ा सा ये व्लॉग होने वाला है, तो जरूर देखिए अंत तक। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा वो बाद में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, रामेश्वरम की मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी कन्याकुमारी से, और अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी से रामेश्वरम का डिस्टेंस जो है वो 250 से 300 किलोमीटर का आता है। रामेश्वरम पे डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल होती है, लेकिन अभी पंबन ब्रिज का काम होने की वजह से वो ट्रेन वहाँ पे बंद है। रामनाथपुरम तक या फिर मंडपम स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है। तो कन्याकुमारी में आने के बाद हम देखेंगे अभी कन्याकुमारी में कौन से स्पॉट्स है, यहाँ पर मैं कहाँ रुका हूँ और यहाँ पर हम कहाँ जाने वाले हैं। दोस्तों, एक और चीज़, अगर आप कन्याकुमारी ट्रेन से आ रहे हो तो कन्याकुमारी आने वाली ही ट्रेन पकड़िए। नागरकोइल तक आप पकड़ सकते हैं, नागरकोइल तक बहुत सारी ट्रेन जाती है, लेकिन नागरकोइल से कन्याकुमारी जाने तक ऑटो वाले 15 किलोमीटर के लिए 500 से 600 रुपये ले सकते हैं। तो मैं कन्याकुमारी में आने के बाद होटल जास पे रुका हूँ, जो मेन लोकेशन पे ही है और जिसका किराया दो लोगों के लिए है 1500 रुपये। इकोनॉमिकल है और अच्छा बजट फ्रेंडली होटल है, प्राइम लोकेशन पे ही है। तो उसके बाद हम जाने वाले हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे, जो सबसे पहले सबके मन में यही एक प्लेस आता है। लेकिन कन्याकुमारी की बात करेंगे तो कन्याकुमारी में सबसे मेन लोकेशन है कन्याकुमारी देवी का टेम्पल, जो कहा जाता है आज भी देवी कन्या है, आज भी कुंवारी कन्या है और हाथ में फूल लिए भगवान शिव की राह देख रही है शादी के लिए। तो दोस्तों, कन्याकुमारी देवी की कहानी किसी और ब्लॉग में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम अभी कन्याकुमारी में जाने वाले हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे, जहाँ पे कैसे जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी देवी के दर्शन के लिए, उसके बाद हम जाने वाले तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, जहाँ पर कन्याकुमारी में ही एक तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। उसके बाद हम त्रिवेणी संगम पर भी जाने वाले हैं। तो ये सारे स्पॉट्स आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगे जो आगे कंटिन्यू होने वाले। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ये सारे स्पॉट्स के लोकेशंस। दोस्तों, तो डे वन में देवी कुमारी के दर्शन होने के बाद अभी हम डे टू में जाने वाले हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, और वहाँ पे जाने के लिए हमें फेरी से जाना होगा, जिसका किराया है आने और जाने का 75 रुपये का। लेकिन वहाँ पे उस लाइन में बहुत क्यू थी, इसलिए हमने निकाला है 300 रुपये का स्पेशल टिकट, जो उससे हम जाने वाले हैं। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और फेरी से जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से फेरी मिलेगा, जो एंट्री है वो 75 रुपये का है, लेकिन उसमें बहुत क्यू है, तो हमने 300 रुपीज़ का निकाला है। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया, लेकिन सेम लाइन पे हमें यहाँ पे भी खड़ा रहना पड़ रहा है। यहाँ पे फेरी आती है और उसके बाद वो जाती है यहाँ पे टेम्पल और स्मारक के लिए। 2 के लिए 300 रुपये है, या फिर 75 रुपये के लिए आपको बहुत सारा क्यू में खड़ा रहना पड़ सकता है। हाय, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे हम बाद में जाने वाले हैं। yes, yes, yes. और देखिए,
वैसे अगर देखा जाए तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद, काफ़ी व्यू अच्छा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बैठा रहूँ, लेकिन काश ऐसा हो पाता, क्योंकि मेरा जो ये साथ वाला छोटा बच्चा है, मेरा बेटा वेदांत, ये मुझे बैठने नहीं दे रहा था और हमें वापस भी जाना था। तो एक घंटा यहाँ पे बैठने के बाद हम वापस निकल गए। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने 300 रुपीज़ का टिकट निकाल के यहाँ पे आया था तो स्पेशल लाइन थी, अलग वाली लाइन थी, कम क्यू वाली लाइन थी, लेकिन वापस जाते वक्त सेम ही लाइन होती है। 75 का टिकट रहे या फिर आपका 300 का रहे, कोई मायने नहीं रखता, आपको सेम लाइन में ही जाना है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और अगर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, एक दो घंटे लाइन में खड़े रहो और वहाँ पे जाके 2-3 फोटो निकालो, तो वैसे लोग भी होते हैं, हर एक का अलग अलग अपना नज़रिया होता है। तो आप त्रिवेणी संगम से भी वो पार्शियल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय रहता है, अगर आप इस स्क्वायर के पास आते हो जो मेन सर्कल है व्यू पॉइंट से, और यहाँ पे है स्वामी विवेकानंद एग्जीबिशन, और उसके ऊपर ये एक पोस्टर लगाया है, यहाँ से फ्री बस सर्विस चलती है जो ये 13 स्थल कवर करती है, तो ये भी आप कर सकते हो। सनराइज पॉइंट रहे, भारत माता सदन रहे, जो हम जाने वाले हैं, और ये एग्जीबिशन है यहाँ पे, और यहाँ से राइट लेने के बाद हम जाने वाले हैं भारत माता मंदिर की तरफ, जहाँ से व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है, और उसके बाजू में ही सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट्स है। दोस्तों, आपको कन्याकुमारी घूमना है तो 7-8 स्पॉट ये बस भी घुमा के लेके आती है, सुबह 7 बजे और शाम के 3 बजे जाती है। सिर्फ 200 रुपये किराया है इसका पर पर्सन, तो कंफर्टेबल है, 4-5 घंटे में आपको घुमा के लेके आएगी। हम नहीं गए क्योंकि इतना समय मेरे बेटे के साथ बिताना और वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसी बस से घूम के आ सकते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी में हमने इस होटल में खाना खाया है, इंस्टाग्राम पे जो मैंने साउथ इंडियन मील का जो फोटो डाले हैं, तो ये यहाँ से खाए थे हमने। थोड़ा सा कॉस्टली है मील, आपको 250 रुपये में मिलेगा, इडली वड़ा वगैरह आपको 100 रुपये से स्टार्ट होगा, लेकिन कंपैरेटिवली हाइजीनिक है। एसी का सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन एसी थोड़ा सा रिलेटिवली 10% 20% लेसर कॉस्टली है, लेकिन बाकी के होटल्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। एक होटल मारुति भी है यहाँ पे आगे, वहाँ का भी टेस्ट अच्छा था, हमने एक बार वहाँ पे मील ट्राई किया था और सांभर राइस भी ट्राई किया था, वहाँ का भी टेस्ट अच्छा है। कंपेरेटिवली 50% कॉस्ट ही है उसका, लेकिन ये डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा होटल सरवना, और इसके बाजू में ही आप देवी पार्वती के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वेदांत, यह है तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कन्याकुमारी में है, अंदर जाते हैं 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये सनराइज पॉइंट से या फिर मिडिल स्ट्रीट से, जहाँ से आपका होटल पास में रहेगा, और काफ़ी नीट क्लीन है। चलो अंदर जाते हैं, दर्शन लेते हैं श्री बालाजी के।
दोस्तों तो अगर ओवरव्यू देखिए कन्याकुमारी का तो काफ़ी अच्छा स्टे है यहाँ पे, रिलैक्सिंग आपका स्टे हो सकता है। उसके बाद आप देवी के दर्शन ले सकते हैं, पार्वती देवी के, यहाँ पे अम्मन गिरी भी कहते हैं। उसके बाद आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी जा सकते हैं, फिर इसे जा सकते हैं, श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल भी आ सकते हैं, अदर भी छोटे छोटे स्पॉट्स है। अगर आप 1000 ईयर पुराना शिवा टेम्पल भी जा सकते हैं, भारत माता मंदिर भी जा सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स भी है। तो आपके डे वाइज आप प्लान कर सकते हैं, 1 डे या फिर 2 डे सफिशेंट है कन्याकुमारी के लिए। उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम जाने वाले हम ट्रेन से, यहाँ से कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस है, लेकिन पंबन ब्रिज का कुछ काम होने की वजह से वहाँ पे रामनाथपुरम पे ही हमारा ड्रॉप रहेगा। वहाँ पे देखते हैं कि हम रामेश्वरम कैसे जाते हैं, बस सर्विस अवेलेबल होगी तो बस से जाएंगे, अदरवाइज कैब की सर्विस देखेंगे। वहाँ पे कितना चार्ज लगने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कन्याकुमारी का ओवरऑल ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उसके बाद जाते हैं हम अभी रामेश्वरम के लिए। कन्याकुमारी रामेश्वरम एक्सप्रेस से हम आए थे रामनाथपुरम तक। रामेश्वरम तक ट्रेन बंद है, पंबन ब्रिज का काम चालू है इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया था। और सुबह 4 बजे वो रामनाथपुरम पे आई थी और वहाँ से बस लेके हम आए हैं रामेश्वरम ने। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, चलो दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले अग्नि तीर्थ में हम जाने वाले हैं और 21 कुंड में भी हम जाने वाले हैं। तो वहाँ के रिचुअल्स में आपको बाद में बताने वाला हूँ दर्शन होने के बाद। तो चलो दर्शन कम्प्लीट करते हैं। अभी तक मेरे 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं दोस्तों, दो ही बाकी है, केदारनाथ के और श्रीशैलम के। लेकिन ये जो मंदिर है सबसे बड़ा है, बहुत भव्य मंदिर है। अंदर आते हैं तो इसके गोपुरम, 4 गोपुरम और अंदर का नज़ारा, अंदर की आर्किटेक्चर बहुत देखने लायक है और मंदिर बहुत भव्य है। उसके बाद दर्शन जाने के लिए भी बहुत क्यू रहती है सुबह सुबह, तो शाम में या फिर 3 बजे के बाद अगर आप जाओगे तो क्यू कुछ भी नहीं दिखेगी, आप फ्री दर्शन ले सकते हो। वैसे दर्शन लेने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट भी अवेलेबल होता है, 200 रुपये का भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप दोपहर के 1 बजे से पहले दर्शन लेने के लिए जा रहे हो तो ही ऐसे टिकट परचेस करो। अदरवाइज 3 बजे के बाद, 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है, लेकिन 3 बजे के बाद अगर आप जाते हो तो कुछ भी क्यू नहीं रहेगी अगर आप नॉन सीजन में आते हो, लेकिन अगर श्रावण में वगैरह आते हो तो बहुत क्यू आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों तो हम अभी निकले हैं धनुषकोड़ी के लिए, अदर स्पॉट भी कवर करेंगे, चलो एक साथ साथ देखते हैं स्पॉट्स और धनुषकोड़ी और फ्लोटिंग स्टोन को भी। यहाँ से दोस्तों राम से तो दिखता है लेकिन अभी पूरा पानी के अंदर है, 6 महीना पानी के ऊपर रहता है, 6 महीना उसमें पानी रहता है।
दोस्तों धनुषकोडी जाते वक्त ये लाइट हाउस है, जरूर जाइएगा इसमें। 10 रुपए एंट्री फी है और ऊपर से काफी अच्छा नजारा दिखता है। आपको दो समंदर दिखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और बीच में धनुषकोडी का रास्ता। बहुत व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं, फोटो वगैरह खींच सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो चलो अंदर जाके आते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, विराट रूप है यहाँ पे, और एक फ्लोटिंग स्टोन भी है, देखते हैं अंदर कैसा है। और पीछे ही नटराज मंदिर है, वो भी देखते हैं। तो ये सिटी के अंदर आता है, धनुषकोडी जाके आने के बाद हम ये सारे जो मंदिर करने वाले हैं वो सिटी के अंदर वाले हैं। तो चलो देखते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। दर्शन कीजिए दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी के, और यहाँ पे राम सेतु का फ्लोटिंग स्टोन है, वो भी देखते हैं। यहाँ अंदर दोस्तों फ्लोटिंग स्टोन्स है और एक 7000 साल पुराना हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाद में एक अखंड दिया भी है। आप अंदर जाएंगे तो जब आएंगे तभी देख लीजिए, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। नटराज स्वामी टेम्पल है दोस्तों, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के एग्जैक्टली सामने ही है। और यहाँ पे जो है ये पीछे पंचमुखी हनुमान मंदिर है और फ्लोटिंग स्टोन्स भी है। नेक्स्ट स्पॉट है हमारा लक्ष्मण तीर्थम, और एक महादेव मंदिर भी है, छोटा सा है जो साइड में ही दिख रहा होगा। आप आगे कुंड है, वहां पे देखते हैं क्या है। श्री राम कुंड के सामने ही श्री राम मंदिर है, ये हमारा लास्ट का स्पॉट है रामेश्वरम का। तो अंदर दर्शन लेते हैं और बाद में मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। दोस्तों तो श्री राम के भी हमारे दर्शन हो गए हैं, तो रामेश्वरम धाम की हमारी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट होती है। कन्याकुमारी की भी यात्रा हमने की, रामेश्वरम की भी की, और उसके पहले हम त्रिवेंद्रम भी गए थे, पद्मनाभ स्वामी के हमने दर्शन भी लिए थे। इस ब्लॉग में वो नहीं बताए हैं, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने मेरे चैनल पे डाले हैं। उसके बाद मदुरई पे भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे भी हम दर्शन लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन आपको ये ओवरऑल रामेश्वरम का और कन्याकुमारी का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का तो ज़रूर आइए। पूरा आप साउथ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, नियर बाय टेम्पल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बजट ट्रिप हो सकती है और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है। सिर्फ ऑटो वाले थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। होटल वगैरह आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल रहेगा, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आने के बाद आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो ये ओवरव्यू है मेरा, मेरी तो काफ़ी अच्छी ट्रिप हुई है। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल भी हम जाने वाले हैं, मदुरई भी जाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको दूसरे ब्लॉग के जरिए दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।